साथियों, आज हम राजस्थान में रेल परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। मैं अर्जुन जयपाल, और दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दोस्तों, यहाँ राजस्थान का पूछा गया है। प्रश्न को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ए ऑप्शन में मुंबई से ठाणे तक, बी ऑप्शन में आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, सी ऑप्शन में जयपुर से जोधपुर तक, डी ऑप्शन मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। तो दोस्तों, राजस्थान में पहली बार ट्रेन 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चलाई गई थी। तो दोस्तों, इसका अपने बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, भारत में प्रथम बार रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन कौन सा है? ए ऑप्शन में रेड क्वीन, बी ऑप्शन में रॉयल क्वीन, सी ऑप्शन में फेरी क्वीन, डी ऑप्शन में रॉयल ओरिएंटल। तो दोस्तों, ये विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन फेरी क्वीन है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में जोधपुर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन बीकानेर, डी ऑप्शन उदयपुर। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, भारत में वर्तमान में 17 रेलवे जोन हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे भी एक जोन है और इसका मुख्यालय जयपुर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर कोई रेल मार्ग नहीं है? ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 5। तो दोस्तों, राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं जहां अभी तक कोई रेल मार्ग नहीं है, वो है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेल बस सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? दोस्तों, ये भारत की है तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ए ऑप्शन में मुंबई से ठाणे तक, बी ऑप्शन में आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, सी ऑप्शन में जयपुर से जोधपुर तक, डी ऑप्शन में मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक। तो दोस्तों, भारत की पहली रेल बस सेवा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच चली थी। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? ए ऑप्शन में समझौता एक्सप्रेस, बी ऑप्शन में लीलन एक्सप्रेस, सी ऑप्शन में थार एक्सप्रेस, डी ऑप्शन में मालानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम थार एक्सप्रेस है। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां रेलवे की नैरो गेज की लाइनें हैं? दोस्तों, ये रेलवे की 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। सबसे छोटी होती है नैरो गेज, जिसकी लंबाई होती है 0.67 मीटर, और दूसरी होती है मीटर गेज, जिसकी लंबाई होती है 1 मीटर। 0.67 मीटर होती है नैरो गेज की, और एक होती है मीटर गेज, उसकी लंबाई होती है 1 मीटर। और दोस्तों, जो अपने ज़्यादातर ब्रांड गेज हैं, उसकी लंबाई होती है 1.67 मीटर। तो दोस्तों, ये पूछा है, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ नैरो गेज ये लाइन है 0.67 वाली लाइन किस जिले में? तो दोस्तों, वो एकमात्र जिला है धौलपुर, जहाँ पर रेलवे की नैरो गेज की लाइन है। यहाँ डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह एकमात्र कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर शराब की बिक्री होती है? ए ऑप्शन मुनाबाव, बी ऑप्शन फुलेरा, सी ऑप्शन फलोदी, डी ऑप्शन बांदीकुई। तो दोस्तों, राजस्थान का वह एकमात्र जिला है मुनाबाव, जो बाड़मेर में स्थित है, वहाँ पर शराब की बिक्री होती है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? ए ऑप्शन मुनाबाव, बी ऑप्शन फुलेरा जंक्शन, सी ऑप्शन फलोदी, डी ऑप्शन बांदीकुई। तो दोस्तों, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन है, जो जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में जयपुर में, बी ऑप्शन में जोधपुर में, सी ऑप्शन कोटा में, डी ऑप्शन उदयपुर में। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में स्थित है। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। आज का प्रश्न है,
रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 16 जून को, बी ऑप्शन है 16 अप्रैल को, सी ऑप्शन 16 जुलाई को, डी ऑप्शन में 1 अप्रैल को। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और दोस्तों कल हमने वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा था, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 46 है, उसका उत्तर 46 सही था है। और दोस्तों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।